वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। चूंकि आज 5 फरवरी है, हम कश्मीर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर डे के हवाले से आज डिस्कशन भी हम करेंगे। बेसिकली इस दिन को मनाने का पर्पस क्या है, हमें किस तरह से जो है इसको लेके चलना चाहिए, इस पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इलियास अंसारी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड IR UCP से इनका ताल्लुक है, और इनकी जो एक्सपर्टीज है वो फॉरेन पॉलिसी है, कश्मीर इंडो पाक रिलेशंस पर भी ये बात करेंगे। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आज हम कश्मीर डे के हवाले से आगाज करेंगे, बेसिकली क्या है, क्यों मनाया जाता है और किस पर्पज के तहत मनाया जाता है। ये अर्ली 90s से कश्मीर की जो सॉलिडेरिटी के हवाले से डे है वो मनाया जाना शुरू हुआ। उस वक्त की जो पंजाब गवर्नमेंट थी वो नवाज शरीफ साहब थे और मरकज़ी गवर्नमेंट जो थी बेनज़ीर साहिबा थी। पंजाब गवर्नमेंट ने काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते थे मरहूम, उनकी तजवीज़ पे ये शुरू किया। मरकज़ी हुकूमत ने भी, बेनज़ीर साहिबा ने भी जो है इसको वेलकम किया और वहाँ से ही सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, बैकग्राउंड ये है कि ये क्यों मनाने की बात की गई उस मौके के ऊपर अर्ली 90s में, इससे पहले क्यों नहीं, उसकी वजह ये थी कि मिड 80s के अंदर जो है वो कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट थी, फ्रीडम स्ट्रगल थी, जद्दोजहद आज़ादी थी, वो एक मरतबा फिर बहुत उरूज के साथ एक अरसे के बाद लेकिन पूरे उरूज पर आई, पूरे ज़ोरों पर आई, और वो कश्मीरियों ने अपने दिल की आवाज़ जो है वो सड़कों पे निकल के बयान की कि हम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, हमें भारत के साथ नहीं रहना है, हमें जो है भारत से आज़ादी चाहिए। तो वो उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए और उनसे यकजहती का इजहार करने के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तानी आवाम की जानिब से भी वो चीज़ दी जाए। तो तब से ये कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो है हमारे यहाँ मनाया जा रहा है और ये जाहिर है कि आज उसी हवाले से आज जो है हमारा दिन। अच्छा सर, हम आपसे तो डिस्कशन करेंगे कश्मीर डे के हवाले से, हमारे पास एक पैकेज है आपके साथ, वो शेयर करते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। पाँच फरवरी कश्मीरियों के साथ माशरती, अखलाकी और सिफारती हिमायत के इजहार का दिन। दुनिया भर में पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के हक में आवाज बुलंद करते हैं, दुनिया को पैगाम देना है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीरियों को भारत सरकार के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। दिन मनाने से नौजवानों में मसला कश्मीर उजागर होगा और अक़वामे मुत्तहिदा को करारदादों की याद दिलाई जाती है। 5 फरवरी का दिन यौमे कश्मीर के तौर पर मनाने का आगाज 1989 में साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद की अपील पर किया गया। कश्मीरियों से यकजहती की शुरुआत 1896 में हुई। कश्मीरी मुसलमानों की बदहाली, महाराजा हरि सिंह के जुल्म के खिलाफ अंजुमन कश्मीरी मुसलमानान लाहौर का कयाम अमल में लाया गया। अलामा इकबाल ने पहले नशिस्त में कश्मीरी इत्तेहाद पर मशहूर नज्म पढ़ी। मुफक्किर पाकिस्तान अंजुमन के सेक्रेटरी भी रहे। 1920 के करीब अंजुमन का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम कश्मीरी कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी ने 14 अगस्त 1932 को पहला यौम कश्मीर मनाया। कश्मीर डे के हवाले से हमने पैकेज देखा सर, हम मसला कश्मीर की बात करेंगे। शेड तो लिया गया इस दिन को, बेसिकली सर अब मनाने का मकसद यही था कि इजहार यकजहती किया जाए, लेकिन अभी तक देखा जाए चाहे अक़वामे मुत्तहिदा है, गवर्नमेंट आती है, कश्मीर अभी तक हम उस एक किसी भी सोल्यूशन या किसी उस पर नहीं आ सकते। देखिए इसके ना कई वजूहात हैं और कई मतलब उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि हमारी जो वर्ल्ड का पोलिटिकल सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो राइट इज़ माइट नहीं बल्कि माइट इज़ राइट पर चल रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा का के बहुत सारे यानी पॉजिटिव उसके आस्पेक्ट्स भी हैं, बहुत सारा काम किया है अक़वामे मुत्तहिदा ने। 1945 से बनने वाला ये अक़वामे मुत्तहिदा जिसका बेसिक पर्पज़ ये था कि दुनिया में अमन कायम किया जाए,
اور وہ جو اس کے چار بنیادی جو اس کے پرنسپلس تھے ان پرنسپلس میں سے ایک دنیا میں پیس مینٹین کرنا تھا. اب یہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں. بالکل. اور اقوام متحدہ جو ہے وہ اس سلسلے میں اس لیے ناکام ہے کہ جو وہاں پر سیکورٹی کونسل میں ویٹو پاور کا سسٹم ہے, وہاں کوئی نہ کوئی ایک ملک کسی اس کے مفادات دوسرے ملک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو وہاں وہ ویٹو کر دیتا ہے. مثال کے طور پر فلسطین کا معاملہ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ امریکہ وہاں ویٹو کر دیتا ہے. ماضی میں ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھا, ہم چونکہ امریکن بلاک کے اندر تھے تو سوویت یونین کا تعلق جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تھا, وہاں ہمیں یہ پرابلم پیش آتی تھی. لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ میں نہیں لے کر گیا, وہ انڈیا لے کر گیا تھا. اور دو قراردادیں اس کے اوپر موجود ہیں آج تک کہ جناب وہاں کے لوگوں سے ان کا حق کے رائے دہی استعمال کرتے ہوئے پلیبیسائٹ یا جو وہاں پہ ریفرنڈم ہے وہ کروا کے لوگوں سے رائے پوچھی جائے کہ وہ کس جانب جانا چاہتے ہیں. یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے. برٹش امپائر جب گیا تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم چھوڑ کر گیا ہے. مثال کے طور پہ سوڈان کے اندر جو ہے وہ ساؤدرن سوڈان کا پرابلم چھوڑ کے گیا, اب تو خیر وہ ایک ملک بن گیا الگ سے. سملرلی نائجیریا کے اندر, نارتھ اور ساؤتھ کے نائجیریا کے, وہاں مسلمان اور کرسچنس کے درمیان جو ہے جی وہ شدت کے اختلافات آج بھی موجود ہیں. اس خطے کے اندر جو ہے وہ یہ انفنشڈ ایجنڈا چھوڑ کر گیا ہے اور وہ یہ پرابلم جو ہے ابھی تک چل رہا ہے. تو ایک تو یہ اس کا فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا جی, اس میں ہمارا رول کیا ہے. اچھا, اس میں ایک پازیٹیو چیز تو یہ ضرور رہی ہے کہ ہمارے یہاں چند چیزیں ہی ایسی ہیں, یعنی خدا کا شکر ہے کہ جس پہ ہم سب کا پوری قوم کا اتفاق ہے, ان میں سے ایک کشمیر کا معاملہ بھی ہے. کوئی اپوزیشن ہو, کوئی گورنمنٹ ہو, سب ایک فورم پہ ہیں. اس چیز کے اوپر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. تو اس اعتبار سے اس پہ ہمارے یہاں کشمیر کمیٹی بھی بنی. کشمیر کمیٹی کو جتنا مؤثر کام کرنا چاہیے تھا, میری ذاتی رائے ہے کہ اتنا نہیں وہ کام کر سکی. جتنا اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے وہ اتنا نہیں چل سکے. اب اصل میں جو کشمیر کے حوالے سے, اور یہ سید علی گیلانی جو مقبوضہ کشمیر سے جو وہاں کی حریت رہنما ہیں, ان کی رائے بھی یہ تھی کہ کشمیر کمیٹی پاکستان کی اس کو جو ریپرزینٹ کرے وہ شخص ریپرزینٹ کرے جو بھارتی ذہنیت کو جانتا ہو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بھارتی ذہنیت کو اور اس مکارانہ ذہنیت کو جو ہزاروں برس کے اوپر پھیلی ہوئی ہے, چانکیا والی جو ان کی پالیسی ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو بھی ہم نے یہ والی بات کی, تو یہ اس پالیسی کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے ان کی نفسیات ہے, اس کو سمجھے بغیر بات کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے دور حکومت کے اندر کشمیر کمیٹی کے اراکین کو کہا گیا جی کہ وہ دنیا بھر میں جائیں گے, کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا جائے گا. ہمارے بہت سارے ایم این ایز ان کو خود ہی صورتحال کے لیے, بہت سارے ہمارے ٹی وی چینلس نے دکھایا ہمارے ایم این ایز کے انٹرویوز دے کے آپ کیا بات کریں گے وہاں جا کر. تو ہم ریپرزنٹیشن کے لیے جن لوگوں کو وہاں بھیج رہے ہیں وہ خود اس سے آگے ہی نہیں رہتی. ایک بہت بڑا ہمارا فلو رہا ہے اس حوالے سے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کو جتنا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو رہا. وہ کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں, اس طرح سے نہیں. اس مسئلے کی اسپیسیفک ہم بات, ایگزیکٹلی, اس کے مقابلے میں بھارت جو ہے بہت ایکٹیو ہے. اس نے کشمیر کے مجاہدین کو یا کشمیر کے لوگوں کی آزادی کو جو ہے وہ ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائی اور ہم اس کو اس طریقے سے نہیں توڑ پائے. لیکن بہرحال یہ چال بازیاں اور مکر بازیاں, یہ تو ظاہر ہے کہ یہ پالیٹکس کا پارٹ ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس کا, انٹرنیشنل ریلیشنز کا, یہ تو چلیں گے. لیکن یہ کہ یہ ایک ہمیں آسپیکٹ ہمارا جو ہے نا ڈپلومیٹک فنٹ کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ایگریسو ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کو کنٹینیوسلی لے کر چلنے کی ضرورت ہے. نمبر تھری یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کو انگیج کرنے کے لیے ظاہر جتنے بھی ہم فورمز ہیں اس پہ استعمال تو کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے, ڈائیلاگ کرے, بات چیت کے اوپر آئے, کچھ کرے. لیکن یہ ہے کہ اس کو مزید ایگریسو لے کے چلنے کی اشد ضرورت ہے. سر, اس میں ہم نے بہت سارے, چونکہ ہم جس دور حکومت کی بات کریں, جب یہ ایک دن منانے سے ہم شاید وہ تمام برسوں کی جو مظالم ہیں جو کشمیری ابھی تک سہ رہے ہیں اور جس چیز کا وہ شکار ہے وہ ایک دن میں کمپنسیٹ نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت میں. لیکن ایٹ دا اینڈ ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی, اب ہر گورنمنٹ آتی ہے کہتی ہے کہ ہم اس پہ ٹاک کریں گے, بات کریں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہی اگریسو ایٹیٹیوڈ ہمیں کسی بھی گورنمنٹ میں نظر نہیں آتا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. دیکھیے, اس میں لانگ ٹرم پلاننگ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ ہم فرسٹ فیز میں کیا کریں گے, سیکنڈ میں ہمارا کیا ہوگا, تھرڈ میں ہم کہاں پہنچیں گے, فورتھ میں ہم کہاں جائیں گے. ہمارے پاس وہ اس طرح کا کوئی ایسا پلان اگر ہے تو وہ نظر نہیں آتا. نمبر ٹو یہ کہ ہم کشمیری جو عوام ہیں ان کو یکجہتی, یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ایک دن جو ہے وہ انف نہیں ہے. یہ تو یقیناً ایک ہماری یاد دہانی کے لیے ہے بنیادی طور پہ کہ ہم اپنی قوم کو بتا دیں کہ یہ معاملہ ہے کہ ہم کشمیر سالیڈیریٹی ڈے جو ہے وہ کیوں منا رہے ہیں. اچھا, پھر اس کا پھر عملی تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر آج کے دن کی چھٹی کریں اور ایک دن پہلے والا جو ہے اس کا 4 فروری کا,
उस दिन 8 घंटे के बजाय 9 घंटे काम करें और 1 घंटे की सैलरी, 1 घंटे की अपनी आमदन अगर हम दें तो मेरा ख्याल है कि हम उनकी ये एक तो मॉरल सपोर्ट है, उसी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाएगी। अभी भी आए रोज हम देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी, जब भी इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट करता है, ये नहीं कि हम इंडियन मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है और पूरी दुनिया ये जानती है। अक्वामे मुत्तहिदा के सामने ये एजेंडा कई बार इंडिया की जानिब से रखा गया, लेकिन एट द एंड सोल्यूशन नहीं निकला। शायद वही बात है कि हम उस चीज को कुछ सीरियसली ले ही नहीं पा रहे। एग्जैक्टली, देखिए ये अभी गलबन 2017 में या 2018 में, लास्ट ईयर पहली मरतबा यूएन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका जो एनिवर्सरी डे था उस पर उन्होंने रिपोर्ट जो पब्लिश की और उनके जो सरबराह हैं उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई है वो स्पेसिफिकली कश्मीर के हवाले से थी, और उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो इस वायलेंस को कर्ब करे, रोके, बहुत जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक आज़ाद कमीशन को अंदर जाने दिया जाए मकबूजा कश्मीर में और वहाँ के हालात के बारे में मज़ीद तफसील आने दी जाए। इंडिया ने रोक दिया। हमने इस चीज़ को कितना हाईलाइट किया? हमने अनफॉर्चुनेटली हाईलाइट नहीं किया इस चीज़, जो कि हमें करना चाहिए। तो वो आपने सही कहा, शायद हमारी प्रायोरिटीज़ में जो है वो बहलावे के लिए तो है, लेकिन शायद हम आते हैं एक एजेंडा पेश करते हैं कि हम ये करेंगे, मसला कश्मीर पे हम बात करेंगे, टेबल टॉक करेंगे, लेकिन एट द एंड हमें कुछ नजर नहीं आता कि हुआ क्या। देखिए हमारा वो सियासी और रिवायती एक नैरेटिव है ना, कहीं सैलाब आ गया, जलजला आ गया तो हमारे हुकाम जो है वहाँ जाएंगे और कहेंगे जी मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक एक एक का घर तामीर ना हो जाए, लोगों के मसाइल हल ना हो जाए। अच्छा, वो वापस आकर बड़े आराम से खाने भी खा रहे हैं, चेहरों पर मुस्कुराहटें भी हैं, सब कुछ भी है, और कोई चैन से बैठने वाली बात उस सियासी ना रहे। शायद इसी तरीके से हमने कश्मीर को भी अपने एक नारों पे रखा हुआ है, हमारे हुक्मरानों की जो माजी में भी और प्रायोरिटीज के हवाले से देखा जाए, हमने कुछ इतना इसको इतना सीरियस नहीं लिया, इसको नहीं लिया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, हम चूंकि बात करें कि आज हम ये दिन मना रहे हैं, हम अपने नौजवानों को, सब लोगों को ये सारी चीजें बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है हमें ज़ारे जगजहती करना है, लेकिन एट द एंड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी तो कहीं पर आती है। अब कब तक ऐसा हम ये सेलिब्रेट करके या हम ये मना कर ये बताएंगे लोगों को कि जनाब हमें कश्मीरियों के साथ हमदर्दी है, हम उनके साथ यकजहती करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ये देखती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं। एट द एंड हिस्सा तो कश्मीर हमारा ही रहा और हमने ही उसको, अगर हमने उसको डिफेंड नहीं करना या हमने उसके लिए स्टैंड नहीं लेना तो एट द एंड किसने लेना। बिल्कुल सही। देखिए दुनिया में ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये दुनिया में हर जगह पहुंचते हैं, यकीनन इंडिया उनको नहीं जाने देगा, लेकिन आप उनसे जरा बात तो करें और उनको हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल तक ही ले आए, चले इंडिया वाली साइड से ना सही हमारी तरफ से ले जाएं। एक आलमी सतह पे जब इंडिया की तरफ से रिजेक्शन जाएगी तो आप बता तो सकेंगे देखिए जनाब ये तो जाने भी नहीं दे रहे। पेलेट गन्स का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, बच्चों को ब्लाइंड कर दिया है, छोटे बच्चों को, पूरी की पूरी जनरेशन को वो बर्बाद करने के लिए इंडियंस ने जिस तरह से सब कुछ किया, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और टेररिज्म के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी ये कि इसराइल वाली पॉलिसी एग्जैक्टली उसी तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही है, जो कुछ वहाँ फलस्तीनी बच्चों के साथ हुआ वही कुछ यहाँ कश्मीरी बच्चों के साथ हो रहा है। अच्छा, हम वो फ्रीडम फ्लोटीला जो था तुर्की वालों ने भेजा और वो अगरचे उनको नहीं एंटर होने दिया गया ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में गजा में, लेकिन एक इंटरनेशनली हाईलाइट हुआ। अच्छा, हमें भी इस तरह के इनोवेटिव वेज के ऊपर, पीसफुल वेज के ऊपर गौर करना चाहिए, हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारे जो रेलेवेंट पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस पे सोचना चाहिए। नहीं, इदारे काम कर रहे हैं लेकिन एट द एंड कोई भी सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहा है। ठीक है, नहीं वो एक तो हो गया कश्मीर का ओवरऑल सोल्यूशन निकालना, एक ये कि हमारी जो एफर्ट्स हैं जो एटलीस्ट जिसे हम हाईलाइट कर सकते हैं चीजों को, वो मैं उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ। तो उस सिनेरियो के अंदर ये है कि वो हम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को बुलवाएं, उनको वहां पे भेजने की कोशिश करें, वो नहीं जाने देंगे। हमारे खैर खा, कश्मीरियों के खैर खा, दुनिया में हक बात कहने वालों की कोई कमी नहीं है। उनको जरा आप जो है वो स्ट्रीमलाइन करें, उनके साथ रबते में रहें, उनको लाने की कोशिश करें। अच्छा, OIC का जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, वो बिल्कुल इनफेक्टिव हुआ है। हमें उसको चाहिए कि उसको एक्टिवेट करें, उसका हम मुजफ्फराबाद के अंदर कोई इजलास बुलवाएं। सिमिलरली जो ना जी, ईरान ने एक दफ़ा गारंटी दी थी कि जी वो जो ना जी आप ये ना करें और ऐसे में ना लेके जाएं और हम इसको हल कर देंगे। हम ईरान से कहें जनाब आइए ना, जरा तशरीफ लाइए, आपने गारंटी दी, देखिए क्या हो रहा है। आपने तो चाह बहार में उनको बुला के हमारे सीने के ऊपर मूंग दलने वाली बात कर रहे हैं, तो देखिए आपने जो गारंटी दी। हमें इस तरीके से, मेरा ख्याल है कि जो सीरियसली लेना है हमें इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि एट द एंड कश्मीर हमारा ही है। बिल्कुल, आप तो कश्मीरियों की बात कीजिए तो वो पाकिस्तानी परचम भी बुलंद करते हैं, पहले इस बात पे भी करके वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते या उनके ऐसे मामले आते, लेकिन एट द एंड आप देखिए जितने भी जनाजे वहाँ पे शहदा के ले जाए जाते हैं
उन सबके ऊपर उन्हें पाकिस्तानी फ्लैग में लपेटा होता है। और अभी पिछले दिन एक वीडियो आपको देखने का शायद इत्तेफाक हुआ जिसमें एक माँ जिसका तीसरा बच्चा शहीद हो रहा है और वो वहाँ उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुक के नारे लगा रही है। तो ये इस कदर मोहब्बत का इजहार दुनिया में किसी और खत्ते में मिलेगा कि कोई किसी को ज्वाइन करना चाह रहा हो? और हम शायद ना मिले। और हम तो बड़े जो है इनडिफरेंट से लातालुक से होकर बदकिस्मती से बैठे हैं। तो आज के इस दिन के हवाले से जो है ना जी, वो हमें जस्ट अवेयरनेस ही नहीं, अपने प्रैक्टिकल रोल जो है एज एन इंडिविजुअल स्टेट लेवल के ऊपर हमें देखने की जरूरत है कि हम इसको किस तरीके से कश्मीरियों के लिए कुछ कर सकें। यहाँ एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि थ्रू वॉर्स, जंग के जरिए से ये मामला अब हल होता नजर आएगा। देखिए वो भी एक एटॉमिक पावर है, हम भी एक एटॉमिक तो ये तो ऐसी अनइमेजिनेबल बियॉन्ड इमेजिनेशन डिस्ट्रक्शन का लेवल आएगा अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो वो तो बिल्कुल। अब हमें ज़ाहिर है कि उसको पीसफुल तरीके से लेके चलना है। देखिए उनके सारे लीडर्स कह रहे हैं, उनके सारे दानिश्वर कह रहे हैं कि कश्मीर जो है हाथ से निकलता जा रहा है, नहीं हाथ से निकल चुका है। अच्छा सिमिलरली जो है जो वहाँ का आर्मी चीफ इंडिया का जिस तरह से बयान दे रहा है, हमें उसको हाईलाइट करने की जरूरत है, दुनिया भर में दिखाने की जरूरत है कि देखें कि ये किस तरीके से इंडियन फौज जो है ह्यूमन राइट्स पीसफुल तरीके से चाह रहे हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं। ये वो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें एक कंटिन्यूस काम करने की जरूरत है। और हमारी जो कश्मीर कमेटी, मरहूमा कश्मीर कमेटी जो है उसको दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है सर, कोई छोटा सा मैसेज आज के दिन के हवाले से आप देखने वालों को देना चाहेंगे? ये देखिए कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरक है, कायदे ने भी फरमाया। नंबर दो ये कि हमारे पाकिस्तान के जो अल्फाबेट्स हैं काफ कश्मीर के लिए है, हमारा कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का लफ्ज अधूरा है। तीसरी बात ये कि ये कोई एक ज़मीन के खत्ते के लिए लड़ाई नहीं और ये एक आइडियालॉजी के लिए है, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो नज़रियाती एक बुनियाद है कलमा, और वो उस कलमे की वजह से हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। वरना लैंग्वेज डिफरेंट है, सब कुछ बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है, मगर इसकी वजह से तो हमें अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करते हुए अमली तौर पे उनके लिए अपनी जाती सतह पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की करनी चाहिए, जिसके बहुत सारे रास्ते ढूंढे जा सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल हेल्प भी एक पॉसिबल वे हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जनाब कश्मीर जे के हवाले से डिस्कशन का यही मतलब था कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती तो हम करते हैं, लेकिन कुछ अपने जेस्चर से, अपने जो कह लें एक अप्रोप्रिएट तरीके से अगर हम इसको शो करें तो बहुत सारी चीज़ें हम हल भी कर सकते हैं, बहुत सारी एक मॉरल सपोर्ट के तौर पर भी हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। जनाब आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर के नाम से, और आज का शो अगर आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। हमारे यूट्यूब चैनल है लाहौर न्यूज़ का, जागो लाहौर का, आप उसको ट्यून कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे एपिसोड वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।